तो हेलो एवरीवन, स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है वीके ब्लॉग्स ऑफिशियल। मैं आपका अपना विकास कुमार आज आपके लिए फिर से एक यूट्यूब का वीडियो लेकर आया हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, मतलब आपको जब भी इस चैनल पे मैं देता हूँ कोई नॉलेज वाली चीज़ें ही चैनल पर लाता हूँ। जानकारी देना ही मेरा मकसद रहता है कि मेरे वीडियो से लोगों को कुछ सीखने को मिले। ऐसा इस टाइप की कंटेंट तो बहुत सारे आपको चैनल पर मिलेंगे, लेकिन सबका समझाने का तरीका अलग अलग होता है। हर कोई अपने तरीके से समझाता है ना। तो समझाने का तरीका सबका अलग अलग होता है, ये तो हर कोई जानते हैं। आज का तो जो हमारा आज का जो कंटेंट है या जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ, वो आज का जो टॉपिक है कि यूट्यूब पे अगर आप आना चाहते हैं तो मेन जो होता है, जो मिशन होता है, लोगों का जो ड्रीम रहता है, हर यूट्यूबर का सपना होता है, जो नए क्रिएटर हैं जो काम करते हैं, वो ये रहता है कि भाई हम कंटेंट आखिर कौन सा बनाएं, क्या कंटेंट बनाएं यूट्यूब पे कि हम वायरल हों। हर कोई चाहता है आज की डेट में यूट्यूब से पैसे कमाना, हर किसी का एक सपना है। हर कोई चाहता है अपना नाम बनाना, क्योंकि लोग देखते हैं, किसी से मोटिवेट होते हैं तभी यूट्यूब पे आते हैं। बहुत लोग, कुछ लोग तो पैसे के कारण से भी यूट्यूब पे आते हैं, कुछ जो आते हैं कि मोटिवेशन से आते हैं। तो वही चीज़ मैं आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो मेन होता है कि मिक्स कंटेंट आपको अपलोड नहीं करना आपके चैनल पे। स्टार्टिंग में क्या करते हैं, नए क्रिएटर्स को इसके बारे में पता नहीं होता है और ये सारी गलतियां कर जाते हैं, जिसके कारण इनको बाद में बहुत दिक्कत होता है। इनके उससे ये भी परेशानी होता है, इसके कारण से आपका चैनल को मोनेटाइज भी नहीं किया जाता है। जब आप चैनल को रिव्यू में भेजते हो, जब आपका चैनल जब एनालिटिक होता है, जब आप एडसेंस के लिए अप्लाई करते हो, मोट जब 1000 सब्सक्राइबर प्लस 4000 घंटा जो वॉच टाइम कंप्लीट करके जब आप रिव्यू के लिए भेजते हो, तो उस समय रिव्यू में यही चीज़ देखा जाता है कि उनका कंटेंट क्या है, लोगों को समझाना क्या चाहते हैं। जब तक ये चीज़ें सही, मतलब कंटेंट उनको सही नहीं मिलेगा, मिक्स कंटेंट मिलेगा, तो अगर वो आपका चैनल को मोनेटाइज नहीं करें, आपको मोनेटाइजेशन को डिसेबल कर दिया जाएगा। तो बातों को ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूँ आपको, कि आपको मिक्स कंटेंट आपके चैनल पे नहीं अपलोड करना है। एक मतलब एक थीम बना लीजिए कि मेरे को इसी थीम पे काम करना है अपने चैनल पे। मिक्स कंटेंट डालेंगे तो लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कि मतलब उनके में दिमाग में ये चीज़ आ जाएगा कि बंदा समझाना क्या चाहता है, करना क्या चाहता है। कभी ब्लॉगिंग डाल दे रहा है, कभी कॉमेडी डाल दे रहा है, तो कभी टेक्निकल डाल दे रहा है, तो कभी गाने उठा कर डाल दे रहा है, तो कभी ऑर्केस्ट्रा का वीडियो डाल दे रहा है। मतलब वायरल होने के लिए कुछ भी कंटेंट मत डालिए अपने चैनल पे। मेहनत कीजिए, सही कंटेंट डालिए, थोड़ा समय लगेगा लेकिन आप कंटेंट आने वाले समय में वायरल होगा। देखिए, कोई एक वीडियो वायरल होने का देरी रहता है फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा मैं आपको, कोई एक वीडियो आपको वायरल होने का देरी रहता है, उसके बाद आपका सारा जो वॉच टाइम है पूरा कंप्लीट हो जाता है। वो लोगों के कहने के लिए होता है कि 240000 मिनट, यानी कि 4000 घंटे का जो वॉच टाइम होता है, हम कैसे पूरा करेंगे। सभी का यही सवाल रहता है, जो भी नए क्रिएटर्स हैं या जो आना चाहते हैं यूट्यूब पे, उनका यही एक सवाल रहता है कि आखिर हम कैसे पूरा करेंगे 4000 घंटे का वॉच टाइम। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, 4000 घंटे का वॉच टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, बस आपको काम सही तरीके से करना है। अगर आप काम सही तरीके से मन लगा के कीजिएगा तो आप ज़रूर वॉच टाइम कम्प्लीट कीजिएगा। तो जो आज का जो पॉइंट था, जो टॉपिक था, जिस टॉपिक में मैं बात कर रहा हूँ, वो था कि मिक्स कंटेंट जो होता है यूट्यूब पे, वो आपको अपलोड नहीं करना है। एक नीच बना के काम कीजिए, मतलब उसका ये मेरा कहने का मतलब ये है कि नीच से ये मतलब संबंध है उसका, कि आपका कंटेंट होना चाहिए कि जिस कंटेंट पे आप कुछ, मतलब आप टेक्निकल को चुने हो तो टेक्निकल से रिलेटेड अपने चैनल वीडियो डालिए, कॉमेडी का अगर है तो कॉमेडी से रिलेटेड डालिए, मतलब जो भी डालिए, मतलब एक ही कंटेंट को लेके चलिए कंटिन्यू, एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। मेरा कहना है कि आप मिक्स कंटेंट डालेंगे तो कल को आप रिव्यू में जैसे अगर चैनल को भेजेंगे तो रिव्यू में यही चीज़ देखा जाएगा, उनको लगेगा कि मिक्स कंटेंट है, तो चैनल को मोनेटाइजेशन को डिसेबल कर देंगे, तो आपका सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। तो कभी भी ये गलती ना करें, मिक्स कंटेंट अपने चैनल को अपलोड मत कीजिए, जो भी कंटेंट डालिए सही कंटेंट डालिए और एक ही थीम पर काम कीजिए। अब आप पहले यूट्यूब में आने से पहले डायरेक्ट ऐसा नहीं कि देखे किसी से मोटिवेट हो आगे चालू कर दिए और कुछ भी कंटेंट डाल रहे हैं। वैसे बहुत सारे क्रिएटर को मैं देखता हूँ, कई लोगों के वीडियोस में मैं एनालिटिक करता हूँ, चेक करता हूँ, चैनल चेक करता हूँ, तो देखता हूँ कुछ लोग कुछ भी मतलब व्यूज़ पाने के लिए कुछ भी थंबनेल बना देते हैं, मतलब
CTR के लिए मतलब क्लिक बेट होता है यूट्यूब में, क्लिक बेट सिस्टम। क्लिक बेट का मतलब ये होता है कि थंबनेल में कुछ और दिखता है, वीडियो के अंदर कुछ और रहता है, कुछ अश्लीलता चीज़ें भी थंबनेल में भी लगा देते हैं। तो ये चीज़ें गलत हैं कि व्यूज़ के लिए ऐसा लोग ना करें, ये सब गलत है ना। उससे क्या होता है कि आपका चैनल पर गलत इफेक्ट भी पड़ता है। आप कुछ टाइम के व्यूज़ अगर ले भी आते हो ना, लेकिन फ्यूचर आप बाद में आपको नुकसान होगा। उस टाइम के लिए तो आप वायरल हो जाओगे, व्यूज़ आ जाएंगे उस एक उस वीडियो में, जिस वीडियो में आपने क्लिक बेट किया उसमें व्यूज़ मान लीजिए मिलियंस चले गए, लेकिन ऐसा कोई मतलब नहीं है। आगे चल के बाद जब अपना कंटेंट आप डालिएगा ना, तो व्यूज़ नहीं जाएगा, वो रुक जाएगा। क्योंकि जिसमें मिलियंस व्यूज़ गए थे उसका कंटेंट अलग था, वो कंटेंट अलग था, आपने उस क्लिक बेट किया था, इस वजह से उस वीडियो में मिलियंस में व्यूज़ गए। लेकिन अगर आप अपना कंटेंट डालोगे तो लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि जो मिलियंस में गया मतलब एक मिलियंस यानी कि 10 लाख लोगों के पास वो वीडियो चला जा चुका था, उन लोगों ने उसको देखा, तो उनको ये लगा कि इसी से रिलेटेड हमको वीडियो को देखने को मिलेगा इस चैनल पे। लेकिन बाद में क्या हुआ, आपने तो मतलब व्यूज़ के चक्कर में गलती कर दिया आपने, है ना। बाद में आपको दिक्कत होगा, आपने अपना वीडियो डाला तो उससे क्या हुआ कि जब ये उनके पास गया तो उनको ये चीज़ समझ में नहीं आया कि पहले हमको कुछ और देखने को मिला अभी डाल, तो लोग वहाँ से उस वीडियो को नहीं देखेंगे, नहीं वाच करेंगे, जिससे कि आपका ऑडियंस रिटेंशन भी कम आएगा, CTR भी माइनस में आएगा, मतलब हाइट रहेगा। CTR जो मतलब ग्रीन शो करता है, ग्रीन का जो उसका ग्रीन आइकन रहता है, अगर आप YT स्टूडियो में चेक कीजिएगा तो ग्रीन रहता है, मतलब आपका सारा चीज़ सही है। तो वहाँ पर वो अनहाइडेड रहेगा, मतलब कलर मतलब डिसकलर शो करेगा, मतलब समझ आए कि आपका रेटिंग डाउन है ना, उसमें रेटिंग चलता है, रेटिंग डाउन है। तो ये गलती मत करें अपने चैनल पे, जो भी भले आप स्टार्टिंग में आइए, थोड़ा चैनल में काम करने से पहले YouTube को समझिए कि YouTube में क्या होता है, YouTube में कैटेगरी वाइज होता है काम। पहले अपना कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए कि किस कैटेगरी पे आपको काम करना है। जिस दिन आप अगर डिसाइड कर लेंगे, आपका कैटेगरी आप चुन लेंगे, उसके बाद आप YouTube पे आइएगा। ऐसा नहीं कि आप आए मतलब व्यूज़ के चक्कर में कुछ भी कंटेंट अपलोड मत कीजिए, मेरा यही कहना है। सही कंटेंट डालिए, मेहनत लगेगा, समय लगेगा, और आप एक दिन जरूर सक्सेस होंगे। मेरा दुआ है, मैं चाहता हूँ कि हर क्रिएटर जो मेहनत कर रहे हैं, जिनका नया चैनल है या चैनल कई बार मोनेटाइज, चैनल की कमाई भाई दबे अगर मोनेटाइज हो भी गया है और अगर पेमेंट नहीं आया है, मोनेटाइजेशन के लिए उन्होंने एडसेंस के लिए अप्लाई कर दिया है, मोनेटाइजेशन नहीं हुआ है, मैं उनके लिए भी यही दुआ करूँगा कि उनका चैनल मोनेटाइज हो जाए, वो यूट्यूब से पैसे कमा सके। और हर माँ बाप चाहते हैं, अपने बच्चों से यही उम्मीद करते हैं कि उनका बच्चा नाम कमाए, सक्सेस हो, लोगों में उनका चर्चा हो, हर कोई चाहते हैं कि उनका बच्चा नाम कमाए। तो हर माँ यही दुआ करती है अपने बच्चे से, यही कि अपने बच्चे के लिए अपनी यही दुआ करती है भगवान से कि उनका बच्चा सक्सेस हो, मेहनत करे, नाम कमाए, परिवार या रिश्तेदारों में भी हमारा नाम को रोशन करें। तो बस यही चीज़ है। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को आगे जरूर शेयर करें। मैं आपका अपना विकास कुमार बहुत जल्द मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है VK Vlogs Official। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।